ध्यान दिया लीजिए। थैंक यू, कल आकर लेके जाऊंगा। ये पेपर्स पढ़कर इस पर सिग्नेचर कर देना। वारी इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है हमारी। जल्दबाजी कैसी, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इतना बड़ा फैसला तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही कर लिया। कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लेती, बिना मेरी कोई भी सफाई सुने तुम सीधा डाइवोर्स तक पहुंच गई। क्या क्या कहा तुमने, डाइवोर्स? प्रथम ये डाइवोर्स पेपर्स नहीं है, ये वंशिता के स्कूल का एडमिशन फॉर्म, और इस पर सिग्नेचर सिर्फ तुम ही कर सकते क्योंकि तुम उसके पिता हो। जब मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वंशिता मेरी बेटी है, तो फिर मैं इन पेपर्स में साइन ही क्यों करूँ? गुड, वंशिता का एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वंशिता के नाम के आगे मित्तल सरनेम उसे उसकी सही पहचान दे सकेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से या गौरी की वजह से? तुम कुछ भी करो, मैं इन पेपर्स पे हरगिज साइन नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो प्रथम। गौरी से दोस्ती हो जाने के बाद मैं इतना तो जान ही चुकी हूँ कि वो तुमसे साइन करवा के, और शायद तुम भी ये बात जानते हो, बस मानने के लिए तैयार नहीं। यू डोंट हैव अ चॉइस नाउ। तुम्हारे पास बस अब एक रास्ता बचता है, और वो है वंशिता को अपनाने का। अरे अनु, तुम कब आई? बस अभी आई, सोचा मम्मी जी से मिलाऊं। कैसी तबीयत है उनकी? तुम खुद जाकर पूछ लो, तुम मम्मी जी से मिलकर आओ, मैं तुमसे बात करूंगी। ओके। तुमने इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दी, फॉर्म पे वंशिता के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, तुम उसे लेकर जा और फोटोग्राफ्स खिंचवा के ला। ना तो इन पेपर्स पे साइन करूंगा और ना ही वंशिता के फोटोग्राफ्स खिंचवाने दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगी पता? क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाती, और हकीकत ये है कि वंशिता तुम्हारी ही बेटी है। क्या सबूत है तुम्हारा, और किस बिना पे तुम ये कह सकती हो कि वो मेरी बेटी? मैं तुम्हारी अतीत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि वंशिता तुम्हारी बेटी है। तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे सबूत की जरूरत है। प्रूव इट कि मैं वंशिता का पिता हूँ। मैं क्यों प्रूव करूँ? तुम अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हो, तुम सबूत लाओ। मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो उसे जानता भी नहीं। बोलो। ठीक है, डीएनए टेस्ट करवा लो। डीएनए टेस्ट? क्या हुआ, डर गए? मुझे मालूम था पता, तुम डीएनए टेस्ट नहीं करवाओगे क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे झूठ पर से पर्दा हट जाएगा। सॉरी, मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूं। डीएनए टेस्ट से ही मेरी आंखों से नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों से गलत करने का पर्दा हट जाएगा।
किया, ये क्या मजाक है? पढ़ने क्यों नहीं देती हो मुझको? मैं जितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ वो कुछ नहीं। हाँ तुम जाकर अपना लेक्चर क्यों नहीं अटेंड करती? मुझे नहीं करना लेक्चर, मेरा मूड नहीं, चले जाए। मुझे वो डायरी तुम ये बुक ले लो, मगर मेरी डायरी वापस। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? मैंने कुछ पर्सनल लिखा हुआ उसमें। मुझे पता है कि तुमने क्या लिखा होगा। हमारी पहली मुलाकात से लेकिन हमारी शादी तक जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने इसमें लिखा है। नहीं, जो हुआ वो नहीं लिखा, हमारे बीच जो होना है वो सब इसमें। अच्छा? इसमें वो सपने हैं रिया जो मैंने तुम्हारे लिए सजाए। तो लिखा क्या है? गहने तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। या बोलने जी, कॉलेज तो क्या हुआ, पति पत्नी? तो ये बात है, यश ने हमारे साथ रहने से इनकार कर दिया है। लेकिन राजेश, सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि जो इंसान अपनी खुददारी से अपना वजूद बनाना चाहता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। अच्छी बात है, यश अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहता है, इट्स अ नाइस थिंग। भाई साहब, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना यश और रिया को डिनर पर बुला लिया जाए, इससे हमारे फासले भी कम हो जाएंगे और कुछ बातें भी हो जाएंगी। अगर हम लोग रिया को मिस कर रहे हैं तो जाहिर है वो भी हमें मिस कर रही होगी। सही कह रहे हो राजेश तुम, लेकिन प्रथम का प्रथम से मैं बात कर लूंगा भाई, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वेल एंड फाइन, मुझे भी यश से कुछ जरूरी बात करनी है। यही हिदन का फाइनल ईयर है और इसके बाद तो ये सारा कारोबार उसी को संभालना है, क्योंकि नौकरी वोकरी तो कर नहीं सकता। क्यों, कोई सेकंड डिवीजन वालों को नौकरी कहाँ मिलती है आजकल, और फर्स्ट डिवीजन तो उसके लिए इतना बड़ा पहाड़ है कि वो चढ़ नहीं सकता। लीजिए, आ गया हमारा बेटा। मिस्टर गर्ग, ये हमारा बेटा हितेन। हेलो यंग मैन। और हितेन बेटा, ये है मिसेस गर्ग और ये है इनकी प्यारी सी बेटी संगीता। नमस्ते हितेन, हमने गर्ग साहब से बात कर ली है। हमने कहा कि हितेन को ना शादी से कोई एतराज है और ना ही कोई जल्दी है। अरे यार, संगीता कलकत्ता से आई है, कम से कम कुछ बात ही कर लेना यार उससे। हाँ हितेन बेटा, अगर तुम दोनों चाहो तो आपस में बातें कर लो, तब तक हम लोग यहाँ कुछ और बातें कर लेते हैं। जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ। अरे जाओ बेटे जाओ, शर्मा मत। आजकल के बच्चे भी शर्माते हैं। तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है? मेरा मतलब है कि कौन सी हीरोइन सबसे अच्छी लगती है? संस्कृति। कोई न्यू कमर है क्या? हाँ। उसकी पहली पिक्चर कौन सी आ रही है? मेरी जिंदगी। अच्छा नाम है ये पिक्चर, हम दोनों साथ में देखने जाएंगे। हाँ, तुम्हारी हॉबीज क्या है? सपने देखना। अच्छा है, सपनों में सिर्फ मुझे ही देखा करोगे? क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुम्हारा मतलब, तुम मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? तुम अब तक नहीं समझे, माना कि तुम्हें अभी शादी में दिलचस्पी नहीं है, मगर अब मुझसे मिलने के बाद हो जाएगी। मैं भी आता हूँ। अरे सुनो तो, दरअसल में हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मम्मी एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी बेटा, क्या हुआ? अरे माँ, ये कुछ हो क्या नहीं हुआ, इतने सवाल पूछती हुई जवाब दे देकर मेरा गला सूख गया है। मैं पानी पी कर आता हूँ। आओ बेटा, आओ बैठ। संगीता बेटा, तुम्हें हितेन कैसे लगा?
मुझे हितन पसंद है। गौरी तुम तैयार हो ना? किस लिए? डीएनए टेस्ट के लिए। मैं आज ही डीएनए टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। तो जाओ, डीएनए टेस्ट तुम्हारा होना है, मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? देखो गौरी, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं। मेरे कुछ सोचने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है गौरी, क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहता। प्रथम, पहले से तुम इतने गिर चुके हो कि और गिरने की गुंजाइश ही नहीं रही। एक इंसान जितना गिर सकता है ना, तुम उतना गिर चुके हो। गौरी, ऐसा मत कहो गौरी। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ और मेरे पास यही एक मौका है कि मैं डीएनए टेस्ट करवा दूँ ताकि तुम मेरी बात पर यकीन कर सको। प्लीज गौरी, मेरा साथ, मेरे साथ चलो प्लीज। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। इस बार डॉक्टर ने काफी टेस्ट करवाए हैं, आई होप सब नॉर्मल हो। पर सब लोग कितने खुश होंगे ना। अरे गौरी और प्रथम, मैं भी उनसे मिलकर आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम औरत होकर भी ऐसी बातें नहीं समझ सकती। प्रथम भैया गौरी के साथ यहाँ है, जरूर वही बात हो सकती है। आपका मतलब है गौरी माँ? हो सकता है। अच्छा सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम गौरी से बाद में मिलेंगे। चलो चलो। तो ये बात है, कौन है वो लड़की? जी संस्कृति जी, जी वो प्रथम की कजन है डैड, वो वहीं उन्हीं के घर पे रहती है। आप उनसे मिलेंगे तो यू विल अप्रिशिएट माय चॉइस। क्यों यश? जी जी अंकल। और डैड वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, मम्मी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो शिकायत का मौका ही नहीं देगी। क्यों यश? जी जी अंकल। तो ये बार बार यश से क्यों पूछ रहा है? क्या यश तुझसे बेहतर जानता है उस लड़की को? नहीं वो। और ये अब कह रहे हो, पहले नहीं कह सकते थे? डैड उस समय यश नहीं था ना, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई? किसी लड़की को पसंद करते हो और कहने की हिम्मत नहीं रखते? यानी अब मुझे कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। तू अपने पापा से इतना डरता क्यों है? रहने दे, मैं नहीं डरता, सब कह तो दिया मैंने उनसे। वो तो मैं था इसलिए कह दिया, वरना तू डरता बहुत है। मैं नहीं डरता उनसे। तू बहुत डरता है उनसे। मैं नहीं डरता। तू डरता है उनसे? नहीं डरता मैं उनसे। अंकल देखिए क्या कर रहा है पापा। किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? बेटा मामा जी से मिलने को आया जी। हेलो, आई एम अरविंद गोयल, हितेंद्र वाला। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। उमेश जी हैं? जी मामा जी तो अभी आए नहीं है, कुछ बिजनेस की बात करनी थी। नहीं बेटा, आपका और हमारा बिजनेस तो बिल्कुल अलग है। दरअसल मुझे कुछ पर्सनल काम था। तो एक काम करते हैं, मामा जी को आने में भी देर है, उनके केबिन में चलते बैठे। चलिए आइए अंकल, बैठिए। थैंक यू। रीटा तो कॉफी भेज देना। वैसे अंकल हितेन और प्रथम भैया बहुत अच्छे दोस्त हैं। यस आई नो, पर मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। मतलब? दरअसल मैं आज मित्तल साहब से अपने बेटे हितेन के लिए संस्कृति का हाथ मांगने आया था। लग रहा है मित्तल साहब को आने में देर होगी। अच्छा तो मैं निकलता हूँ, तुम लेकिन मेरा मैसेज उन तक जरूर पहुंचा देना। लेकिन अंकल वो कॉफी आ रही है, नेक्स्ट टाइम पे। ओके ठीक है, थैंक्स। गौरी जो बात हमसे छुपाई जा रही थी ना, वो बात हम तक पहुंच रही है।
कैसी बात चाची? यही कि हमारा प्रथम पापा बन गया है। पापा बनने वाला है। हाँ, हमें नताशा ने सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों क्लिनिक गए थे ना, वो भी हमें बिना बताए। शायद हमें सरप्राइज देना चाहते थे। चाची जैसा आप सोच रहे हो सब कुछ, मैं तो अपना चेकअप करवा लूं। चेकअप करवाने? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चाची नॉर्मल चेकअप, इंश्योरेंस मैच्योरिटी के लिए जाना जरूरी था। हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। प्रथम को तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती, मगर वंशिता उसे किस बात की सजा दूं? इस सब में उसका क्या कसूर है? कुछ भी तो नहीं, मैं प्रथम की गलती की सजा उस बच्ची को हरगिज नहीं दूंगी। आप मुझे घुमाने कब ले जा रहे हैं? क्या मेरे पास बस यही काम रह गया कि मैं तुम्हें घुमाता फिरूं? मेरे पास बहुत काम है। अरे आप तो गौरी आंटी के सामने कुछ और कहते, मेरे सामने कुछ और कहते। क्या मतलब? आप गौरी आंटी के सामने कह रहे थे कि आप मुझे डिज्नीलैंड ले जाएंगे। डिज्नीलैंड नहीं, मैजिक लैंड कार, वो यहाँ से बहुत नजदीक है, रघु के साथ चली जाना। मैजिक लैंड? गौरी आंटी अब प्लान चेंज हो गया, अब हम रघु के साथ मैजिक लैंड जाएंगे। किसने कहा? पापा ने। मैंने सोचा। नहीं पता, तुम एक पिता के नजरिए से सोच ही नहीं रहे। कैसे पिता हो तुम? एक तो इतने सालों तक तुमने उसे अपने आप से दूर रखा, एक पिता के प्यार से दूर रखा, उसे अपने हक से दूर रखा, और आज जब तुम्हें एक मौका मिला है उसे वो सब कुछ देने का, तो तुम अपने आप से दूर भाग रहे हो। प्रथम वंशिता तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे निभाओ। तुम क्या चाहती हो? प्रथम मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन अगर वंशिता तुमसे कुछ चाहती है तो तुम्हें उसे वो देना पड़ेगा। अगर वो चाहती है कि तुम उसे घुमाने लेकर जाओ तो तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा। गौरी तुम वंशिता के साथ जा रहे हो? ठीक है, मैं उसे घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन एक शर्त। शर्त? हाँ गौरी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। देखो गौरी, जब तक डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आ जाते तब तक, सिर्फ तब तक मैं तुम्हारे शक के दायरे में हूँ। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तुम्हें इतना साथ तो देना ही है।